वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइटिंग इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ टू फार्म CCF नया वाला वीडियो, लेटेस्ट वीडियो बनेगा लेटेस्ट अपडेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CCF फार्म करने के लिए तुमको जो है कुछ अलग अलग स्टेजेस में जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, ये स्टोरी मोड है। स्टोरी मोड का अल्टीमेट मोड ओपन करने के लिए नॉर्मल वाले जो स्टोरी मोड है वो खेलना पड़ेगा। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वो जाकर देख लो। वहाँ पर मैं स्टोरी मोड की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टोरी मोड के गेम प्ले का पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह है, तो वो जाके देख सकते हो। उसमें कौन कौन से कैरेक्टर लिए मैंने, और ये ऊपर में जो कैरेक्टर के यहाँ पर बोनस वगैरह बताया, कौन से बोनस से किस कैरेक्टर से क्लियर करना चाहिए, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, वो मैंने क्लियर करके बताया। तो वो जाके तुम कर सकते हो स्टोरी मोड क्लियर, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना पहले, उसके बाद में कैरेक्टर सेट करके फिर प्ले करना वीडियो देखने के बाद में। उसके बाद में ये फ्रेगमेंट है, कमन फ्रेगमेंट में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर ये चेस्ट ओपन करना है। चेस्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पर अलग अलग आइटम मिलेगा, जैसे EOD और टाइटन कंपोनेंट पैक TCP। EOD का मतलब है एसिस ऑफ डिमेंशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EOD बोलते हैं, और TCP का मतलब है टाइटन कंपोनेंट पैक TCP। इन वर्ड का सबसे पहला वाला जो लेटर है वो सिलेक्ट किया हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म के लिए, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में TCP और इसको EOD बोलते हैं। एसिस ऑफ डिमेंशन यानी EOD और TCP यानी टाइटन कंपोनेंट पैक। नेक्स्ट वाला ये जो ट्रू शील्ड वाला है, काफ़ी सारे लोगों के मेरे को हमेशा आते ही है, कमेंट आती है कि भाई ये ट्रू शील्ड अनलॉक नहीं हुआ, अनलॉक नहीं हो रहा। तो देखो, इसको अनलॉक करने का सिंपल प्रोसेस है। इस स्टोरी मोड का सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर बता दो 8 का 2, चैप्टर 8 का 2 यहाँ तक क्लियर करना पड़ेगा। और ये एक बार क्लियर करने के बाद में एक और बार क्लियर करो। क्लियर करने के बाद में ये जो अगला चैप्टर है, ये जो अगला स्टोरी मोड है, ये निक फ्यूरी वाला यहाँ पर खुल जाएगा। इसके कंपनी फ्रेगमेंट में जाना है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी EOD और टाइटन कंपोनेंट पैक रखा हुआ है, ठीक है। आगे बता दो, CCF के बारे में वीडियो है, बताता हूँ। इस तरफ में एक प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, और ये एसिस ऑफ डिमेंशन और टाइटन कंपोनेंट पैक है। अब ये लक लग गया तो निकलेगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। ड्रॉप रेट तो तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, 0.0.0.0.99%। तो यहाँ से जो है EOD और TCP कुछ हद तक मिलेगा, और इस स्टोरी मोड के ऊपर में मैंने वीडियो बना के रखा है, तो वो जाके चेकआउट कर लो। एंड अब चलते हैं CCF की तरफ कि कैसे CCF फार्म करना है। देखो, CCF फार्म करने के लिए यहाँ पर मैं ये जो स्टोरी मोड है, ये जो डिस्पैच मिशन है, डिस्पैच मिशन का 10 वाला सेक्टर 10 तक क्लियर करना पड़ेगा। और डिस्पैच मिशन के ऊपर मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कई सारे वीडियो बनाए मैंने, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10, यहाँ तक के वीडियोस मैंने बना के डाल दिए हैं। तो वो जाके देख लो, प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने हाउ टू क्लियर डिस्पैच मिशन, तो वो जाके देख लो हाउ टू प्ले डिस्पैच मिशन। उसके अंदर पूरे वीडियोस है, सभी सेक्टर के ऊपर में, सभी सेक्टर के सभी स्टेजेस के ऊपर में वीडियो है, तो वो जाके देख लो कैसे क्लियर किया है, कौन से मैंने टीम यूज़ किया, कौन से कैरेक्टर यूज़ किया, वो मैंने बता दिया। अगर तुमको फिर भी क्लियर करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ बड़े लेवल के 3 कैरेक्टर डालूंगा। एक लोकी है, वेलकरी है, केबल है, और व्हाइट फॉक्स है। ये तीन कैरेक्टर लेके जाना, कोई भी स्टेज में चले जाओ। विंटर सोल्जर का इस्तेमाल कर लो, वो भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, काफ़ी हद तक जो है ना वो बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सेक्टर 10 का जो लास्ट वाला चैप्टर है, ये अगर क्लियर करते हो तो यहाँ से कुछ हद तक CCF मिलेगा, कुछ हद तक CCF मिलेगा। लास्ट 10वां चैप्टर क्लियर करने के बाद, सारे चैप्टर जो 10वां सेक्टर है, 10वां सेक्टर के 5 जो स्टेजेस है वो क्लियर करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, ये 5 क्लियर कर लिया, उसके बाद में CCF वहाँ से मिलेगा कुछ हद तक। अब चलते हैं वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्रॉप रेट के हिसाब से मिलेगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर लेजेंड है, लेजेंड में नल मेपिस्टो में गारंटेड रखा हुआ है CCF, वहाँ से गारंटेड CCF मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, माइल होना स्क्रोल होना,
यहाँ से गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, और मैप स्टोर से भी मिलेगा गारंटेड, और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से भी मिलेगा गारंटेड। अब जिसके पास में पावर लेवल है, चाहे जिसको टेक्निक अच्छे तरीके से आती है, जिसको आदत हो चुकी है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की, वो खेल सकता है, जिसको आदत नहीं है वो छेड़ेगा नहीं, दूर रहेगा। तो जैसे एक एग्जांपल नलका करके दिखा दो, मदरबोर्ड बहुत गोल्ड खा चुका तू, ठीक है, क्विक सिल्वर पर रहने देते। अभी मैं जाता हूँ इधर में नल में और ये क्लियर करके दिखाता हूँ।
और यहाँ पर मैं लेवल 9 क्लियर करने के बाद में हमको कितना CCF मिलता है? 17। वाह 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 वाह। और कुछ लोगों के लिए कुछ अदर वर्ल्ड बॉस है, जैसे एग्जांपल जो वर्ल्ड बॉस लेजेंड तक अभी तक क्लियर करने के लिए कैपेसिटेबल नहीं है, या जिनके पास में ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ज़्यादा अच्छे कॉमिक कार्ड नहीं है, उन लोगों की बात करो तो वो लोग क्या कर सकते हैं? बाकी के वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट अनलॉक करो, अनलॉक करने के बाद में उसको खेलो, जो भी मन चाहे वो वर्ल्ड बॉस सेट करो और खेलो। धन्यवाद ऐसे मौके पर हमें टाइटन बुक देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो है वर्ल्ड बॉस लेजेंड और मेफिस्टो, नल और मेफिस्टो से काफ़ी अच्छे CCF मिलेंगे अगर वहाँ पर हमें स्पेशल डे आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा नल और मेफिस्टो से। एंड इन्फिनिटी ऑर्डर जिसके बस का क्लियर करने की बात है, वो उसको तो वैसे ही मिलेगा जैसे बाकी वर्ल्ड बॉस में मिलता है लेजेंड में, बस वैसा ही मिलेगा। रही बात बाकी अल्टीमेट की, तो अल्टीमेट में जो भी तुम्हारा स्पेशल डे आता है उसके हिसाब से तुम देख के क्लियर करके वहाँ से ड्रॉप रेट के हिसाब से लक लग गया तो मिलेगा। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो यहाँ से तुम जो है CCF ले सकते हो, बाकी अदर कोई जगह ऐसी यहाँ पर रखी हुई नहीं है जहाँ से CCF ले सके। एक जगह है जहाँ पर एक और CCF मिलता है, बट यहाँ पर TCP और EOD का भुगतान करना पड़ेगा, वो भी मैक्सिमम 5 टाइम्स है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करने वाला।